हेलो फ्रेंड, यूपी लेखपाल एग्जाम के मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन से है। 18 प्लस 15 भाग 3 गुणा 9, तो सरल करके इसका आंसर देना था। तो ऐसे सवालों में पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, इस क्रम से क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो इस क्रम से सॉल्व करेंगे तो पहले भाग करेंगे 15 और 3 की भाग, 15 में 3 की भाग करेंगे तो 5 आएगा, गुणा 9, फिर गुणा कराएंगे 18 प्लस 9 पंजे 45, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो जो माध्य है उसमें भी 3 की वृद्धि होगी, तो माध्य 30 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर माध्य कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला 28वां क्वेश्चन जो आया था बहुलक से है, बहुलक बताना है। तो सीरीज में दिया था 3 4 4 3 6 सात, सात सात दो बार है, चार और फिर 3 और फिर 3। तो इसमें देखिए जो संख्या ज़्यादा बार होती है सीरीज में वही बहुलक होता है। तो 3 इसमें 4 बार आया है, 1 2 3 और 4, 3 जो संख्या है वो 4 बार आई है। तो बहुलक क्या हुआ, बहुलक 3 हुआ। तो आंसर इसका ए सही हो जाता। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 था। 13 15 12 21 10 14 और 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इनको और वही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो और वही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 10 है, फिर 12 है और 12 दो बार है, दो बार लिख लेंगे। 13 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 और 15 के बाद 21 है। अब इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। अगर सूत्र से हल करें तो n बराबर 7 है, n बराबर 7 है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 7 है। सूत्र से हल करेंगे तो n प्लस 1 बाई 2 से हल करेंगे तो 7 प्लस 1 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे 2 बराबर 4 हो जाएगा। 8 बटे 2 कितना होगा, 4। चारवीं संख्या जो है क्या होगी, माध्यिका होगी। तो 1 2 3 और चारवीं संख्या कौन हुई, ये हुई। अगर इसको सॉल्व ना करना होता तो मिड संख्या जो है माध्यिका होती है, और वही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मिडिल की संख्या, बीच की संख्या होती वो माध्यिका होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना था जिसका आधार दिया है 18 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आधार 18 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर, 18 18 सभी भुजाएं हो जाएंगी। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है भुजाओं का योग होता है। तीन भुजाएं त्रिभुज में, तीन भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाओं का योग। तो 18 गुणे 3 कर लेंगे, 18 3 54, ये 3 बार जोड़ लें या 3 से गुणा कर लें। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 12 है, चौड़ाई 11 है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 12 और 11 की गुणा करा लेंगे, 132 आ जाएगा। 132 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, एक संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है और उसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिक है। बारंबारता पहले निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता जो दी है, संचयी बारंबारता
आठ, 15, 25, 33। ये संचयी बारंबारता दी है। बारंबारता निकालेंगे, तीन के सामने तीन लिख लें, फिर तीन में कितना जोड़ने पर आठ आया, पाँच, आठ में कितना जोड़ने पर 15 आएगा, सात, 15 में कितना जोड़ने पर 25 आएगा, 10, और 25 में कितना जोड़ने पर 33 आएगा, तो 8। जो बारंबारता बनी 3, 5, 7, 10 और 8, तो बारंबारता अधिकतम किसकी है, बारंबारता अधिकतम है 10। तो 10 के सामने जो बंटन है, बारंबारता जो बंटन दिया है वो कितना है, 21 से 21, तो 19 से 21 इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में 19 से 21 है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें गुणनखंडों का योग बताना है, तो पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करा लेंगे। तो 2240 है, गुणनखंड करेंगे, दो से काटेंगे, 11, 20 हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 560 हो जाएगा, फिर दो से काट देंगे, 280 आएगा, फिर दो से काटेंगे तो 140, दो से फिर काटेंगे तो 70, फिर दो से काटेंगे तो 35, 5 से काट देंगे 7, और 7 से काटेंगे 1। दो से कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितना बना, 2 की घात 6 बना। निकालना हमको गुणनखंडों का योग, ये गुणनखंड तो ज्ञात किए हैं लेकिन गुणनखंडों का योग बताना है। योग बताने के लिए 2 की घात जो 6 बना है उसको क्रम से प्लस में कर लेंगे, तो 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0, 0 तक लाएंगे, फिर गुणा। अब 5, 5 की घात कितना है, 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 को भी क्रम से करेंगे, तो 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0 गुणा 7 की घात 1 है, तो 7 की घात 1 प्लस 7 की घात 0। अब इसको हल कर लेंगे तो गुणनखंडों का योग आ जाएगा। हल करेंगे तो 2 की घात 6 कितना बना, 64 हुआ, 2 की घात 5 32 हुआ, 32 का आधा 16 हुआ, 2 की घात 4 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, और फिर 2 का आधा 1, ये हो गया। 2 की घात 0 का मान 1 होता है, गुणा 5, और इसका मान 5 हो गया, और 5 की घात 0 का मान 1 हो गया, ये कितना हो गया, 5 1 6, गुणे 7 1 8, इनको जोड़ लेंगे, 4 2 6, 6 12, 8 20, 4 24, 2 26 और 1 27 के साथ, 6 3 9, 1 10, 10 में 2 हाथ 12, 127 गुणे 6 गुणे 8, इनका गुणा करा लेंगे, तो इनका जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 6096। गुणनखंडों का योग 6096, और ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है। 21 से 25 जो बंटन दिया है इसमें घनत्व बताना है। 21 से 25 है तो इसका मतलब क्या हो, 21, 22, 23, 24, 25, कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्या है। जो इसकी बारंबारता है, बारंबारता को हम कुल संख्याओं से, हम कुल कितनी संख्या है, 5 है, 5 से हम इसको हम गुणा भाग करा देंगे, 5 से भाग कराएंगे तो 5 चौके 20 कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो घनत्व है, डेंसिटी पूछा गया, घनत्व पूछा गया, तो घनत्व कितना होगा, इसका 4 होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इसमें हिस्टोग्राम आयचित्र, आयचित्र एक प्रकार का होता है, मतलब आयचित्र किस प्रकार का होता है ये बताना है। आयचित्र आवृत्ति आरेख होता है, कैसा होता है, आवृत्ति आरेख होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का या के होता है गुना होता है या समान होता है या आधा होता है या तीन गुना होता है। समांतर चतुर्भुज और आधार के समांतर जब कोई उसमें जब कोई भी त्रिभुज बना होता है तो वो त्रिभुज क्या होता है उस चतुर्भुज के कितना चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, हमेशा आधा ही होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था यदि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है और एबी 12 सेंटीमीटर और एसी 13 सेंटीमीटर, ये भी आसान क्वेश्चन था। ए बी सी एक त्रिभुज है और बी क्या है समकोण है, ए बी बता रहे हैं 12 सेंटीमीटर और एसी है 13 सेंटीमीटर, एसी 13 सेंटीमीटर, तो बीसी बताना है बीसी। अब इसमें क्या है ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, लंब हो गया तो कर्ण का वर्ग करेंगे 169, कर्ण है 13, 13 का वर्ग 169, लंब का वर्ग करेंगे तो 12 है, 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये बी सी जो है कितना है 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-1 बराबर 0 के मूल बताना है, तो इसका हल तो है नहीं, जब हल नहीं होता तो इसको सूत्र से हल करते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र होता है, इससे हल कर लेंगे तो हल हो जाता है। यहाँ पर तुलना करें तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर इसमें 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर -1 है। a स्क्वायर a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मूल समीकरण होता है, इसी से तुलना किया गया है, इसमें मान रख देंगे और हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस बी है और b का मान भी -4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का वर्ग करेंगे 16, -4 गुणा ए का मान 1 है और गुणा सी का मान -1 है बटा 2 इंटू ए का मान 1 है। देख लीजिए 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 रूड बटा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 चार 20 हो जाएगा रूड 20, और 20 को रूड में क्या करेंगे 4 गुणा 5 लिख लेंगे, 4 गुणा 5 क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा अंडर रूड 5 अंदर रह जाएगा, प्लस माइनस बटा 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाली संख्या में, 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस यहाँ से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 5 खाली बचेगा और बटा में 2 है, 2 से 2 काट देंगे, तो आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, वहन करता मतलब उठाता है, अपना मोबाइल किस दर से बेचना चाहिए जिससे वह 30% का लाभ प्राप्त हो। 30% हानि पर बेचता है तो मतलब क्या हुआ, 30% हानि पर बेच रहा है तो 100% कीजिए कितने का, 30% हानि से कितना हो 70% हुआ, और 30% का लाभ चाहिए, लाभ के लिए क्या होगा 100 कीजिए पर कितना 130 होगा, तो 1820 का 30% हानि पर बेचता है तो 70 जो है पहले कितना था वो नीचे जाएगा 70, बाद में 130% चाहिए ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 काट दिया, 7 से यहाँ काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 छः 42, 4 बचा 2 42 हो जाएगा और 0 बचा तो 0 उतार लेंगे, 260 गुणा 13 को हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो ये तुम्हारा 0 13 छंग 78 के 8 और 13 दुनी 26 और 7 33,
ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है। क्वेश्चन नंबर 45 था, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक था? राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक था। तो अगर मोहन का वेतन 100, तो राहुल का कितना था? 120% ज़्यादा था, मतलब 120%। अब ये कहने राहुल के वेतन में 30% की वृद्धि होगी, 120 का था, इसमें 30% की वृद्धि होगी, तो 120 का अगर 30% निकालेंगे तो ना निकलेगा, 120 का 130% कितना हो जाएगा? तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, दोनों जीरो यहाँ काट देंगे, 13 12 की गुणा करा लेंगे, तो 12 यहाँ 36 के 6 और 12 1 12 और 3 15 156। फिर कह रहे हैं जब मोहन का अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली, तो इसको 40% की वृद्धि मिली, मतलब 100 की ये कितना मिलने लगा? 140 मिलने लगा। अब इसको बताना क्या है? राहुल का वेतन मोहन के वेतन से, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? इसमें अंतर कितने का है? 16 का अंतर है। 16 का अंतर है कितने पर? मोहन से 140 मोहन का है, 140 40% के लिए 100 लगा लेंगे, हल कर लें तो 0 से 0 कट कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ऊपर बड़ा कराएंगे तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80 7/7 भाग करा देंगे तो 7 1 7 1 बचा 10 हो जाएगा, फिर 7 1 7 तो 3 बचेगा, तो 3/7 हो जाएगा, 11 सही 3/7% लगभग में पूछा गया, तो लगभग में 11% है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में लघुत्तम समात्वर्त पूछा जा रहा है, तो इसमें जो लघुत्तम जब समात्वर्त पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा निकालते हैं, तो 3 2 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 4 2 का एलसीएम कितना बनता है? 12 बनता है। 8 6 7 का मासा निकालेंगे, तो इसमें कोई कॉमन नंबर है? कोई भी कॉमन नंबर नहीं, जब कोई नंबर कॉमन नहीं तो इसका मासा क्या बनेगा? 1 बनेगा, तो लघुत्तम समांतर पूछे हैं तो क्या बन जाएगा? 12/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो कितना हुआ? 12 हुआ, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 13 और 17 है, दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 11 से अगर 13 में गुणा कर देंगे, छोटी संख्या के लिए 13 में और बड़ी संख्या के लिए 17 में गुणा कर देंगे, 13 और 11 की गुणा कर लेंगे, छोटी संख्या मिल जाएगी, 11 गुणा 13 11 33 और 11 1 11 3 14, ये छोटी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और इनकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की माप अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में बताना है। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो पूरी भुजा अगर ये 8 है, पूरी भुजा अगर पूरी विकर्ण 8 है तो आधी विकर्ण कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये पूरी विकर्ण अगर 6 है तो आधी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे 5 हो जाएगा, तो आंसर जो इसका होगा 5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वाली भुजा कितनी निकलेगी? 5, तो अगर ये 4 है ये 3 है तो ये कितना हो? 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 था, सम चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, परिमाप कितना दिया गया? 120 दिया गया, 4 से भाग कर देंगे मतलब कितना? 30, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है
समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी, तो अगर ये दूरी कितना है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, और सभी भुजाएं कितना है 33 की हैं, सभी भुजाएं 33 की हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा इंटू ऊंचाई, भुजा कितना है 30 इंटू ऊंचाई कितना है 12, गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या था, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली होता है। बहुभुज क्या होता है, एक बंद आकृति होता है, अनेक भुजाएं होती हैं और बंद आकृति होती है, एक प्रकार से ये है ये। अगर इसको ऐसे छोड़ दें तो ये बहुभुज नहीं होगा, जब ये इस प्रकार से ये बंद होता है, 5 भुजाएं 6 भुजाएं या 7 भुजाएं हैं, अगर बंद आकृति है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो अनेक भुजाओं वाला और बंद आकृति होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।